गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पाठ सात नाम वाले शब्द पढ़ेंगे। आप पहले भी पाठ सात में नाम वाले शब्द पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पाठ सात का पुनरावृत्ति करेंगे। चलिए सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा को पढ़ते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, शीला, गणेश, मोहन, अंजलि इत्यादि। वस्तुओं के नाम टेबल, कार, बस, बोर्ड, बोतल, कुर्सी इत्यादि। स्थानों के नाम पटना, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता इत्यादि। तथा जानवरों के नाम शेर, गाय, कुत्ता, हाथी, घोड़ा इत्यादि। इन चित्रों को देखो और इनके नाम बोलो। बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग चित्र दिया हुआ है। सभी चित्र के अलग अलग नाम हैं। गिलास, किताब, घड़ी, छाता, जहाज, चाकू, मटर, पंखा, ये सभी वस्तुएं हैं। हर वस्तु का नाम होता है। कुछ और नाम जानो। लड़की, आदमी, औरत, हिरण, बकरी, बगुला, ये सब जानवरों के नाम हैं। बाजार, जहां हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है? बाजार। बगीचा, जहां पर पेड़, फूल, पौधे होते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है? बगीचा। जहाँ पर आप पढ़ने जाते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है? स्कूल। वस्तुओं के नाम पर लाल रंग से और जगहों के नाम पर नीले रंग से गोला बनाओ। जो वस्तुओं के नाम है वहाँ पर लाल रंग से आपको गोला बनाना है और जो जगहों के नाम है वहाँ पर आपको नीला रंग से गोला बनाना है। वस्तुओं के नाम हो गया गिलास, कागज, कंप्यूटर, ये सब आपको लाल रंग से गोला बनाना है। ठीक है। कक्षा, झरना, कमरा, ये सब आपको नीले रंग से गोला बनाना है। कुर्सी, कटोरी, कलम, ये सब वस्तुओं के नाम हैं, तो इनको आपको लाल रंग से गोला बनाना है। जैसे फ़ोन, छतरी, ये सब वस्तु के नाम हैं, ये तो आपको लाल रंग से गोला बनाना है। दुकान, बाग, जंगल, ये सब जगहों के नाम हैं, इनको आपको नीले रंग से गोला बनाना है। तालाब को भी आपको नीले रंग से गोला बनाना है। ठीक है। चित्र देखकर नाम लिखो और शब्द लड़ी पूरे करो। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहले चित्र दिया हुआ है। जैसे सांप, सांप है, उसके बाद क्या है? पपीता, तालाब, बतख, खरगोश, सलगम, मछली। ठीक है। चित्र दिया हुआ है और उनके आपको नाम लिखना है। टोकरी में कुछ फल और सब्जियां रखी हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। फलों में क्या है? केला, सेब, लीची। और सब्जियां, सब्जियों में क्या है? गोभी, आलू, करेला। ठीक है। सबका अपना नाम। व्यक्तियों के नाम रिया, आशा, अली। स्थानों के नाम, बच्चों मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा में बताया था, व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, जानवरों के नाम। तो स्थानों के नाम में जैसे दिल्ली, मुंबई, भारत। कुछ और नाम जानो। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी। पहाड़ों के नाम हिमालय, अरावली, कैलाश। महीनों के नाम जनवरी, जून, दिसंबर। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार। हर व्यक्ति, वस्तु और स्थान का अपना नाम होता है। दो दो नाम लिखे नदियों के नाम। चलिए हम लोग नदियों के नाम लिखते हैं, गंगा, यमुना। दिनों के नाम रविवार, सोमवार। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी। मित्रों, जैसे आपके मित्रों के कोई नाम आपको लिखना है तो विकास, रोशनी। ठीक है। नंबर दो में है अपने परिवार की फ़ोटो चिपकाओ या बनाओ और सदस्यों के नाम लिखो। बच्चों आप अपने परिवार का फ़ोटो यहाँ पर चिपकाइएगा और उन सदस्यों के नाम आपको लिखना है। ठीक है। चलिए आज हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।